नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय मौर्य एमटेक ब्लॉक से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम रिव्यू करेंगे ये लैंड फोर्स का धान काटने वाला थ्रेसर है। आज इसके बारे में सब कुछ आपको हम बताएंगे कि ये कैसा थ्रेसर है। चलिए वीडियो में बने रहिए, आइए दिखाते हैं कि ये कैसा थ्रेसर है और इसके बारे में सब कुछ डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या खासियत है। चलिए आइए देखिए वीडियो में। किसान साथियों, ये दिया हुआ है, यहाँ से हिच लगेगा ट्रैक्टर में अटैच करने के लिए और कुछ आगे का इस प्रकार दिखता है, देख सकते हैं। और देखिए इसमें पुली उली भी लगा है, जाली भी लगा है सेफ्टी के लिए, बेल के देख सकते हैं कि इधर हाथ वाथ ना जाए, सब जाली वाली लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, मजबूत भी है दिखने में। और ये देख सकते हैं ये दिया हुआ है 13 इंची का पुली ये है और 12 का पुली ये है ऊपर, देख सकते हैं। और इसमें 3 बेल्ट लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये दिया हुआ है दोनों बेल्ट को टाइट करने के लिए बोल्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ब्लॉक काफ़ी मोटा ब्लॉक है और ये देख सकते हैं धुरा भी इसका मोटा है, देख सकते हैं। इधर भी लगा हुआ है ब्लॉक, बंद बैरिंग वाली ब्लॉक है जिसमें गर्दा वर्दा नहीं जाता है। और देख सकते हैं इधर आगे स्टैंड इस तरफ भी, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ने के लिए, देख सकते हैं इस तरफ भी स्टैंड दिया है काफ़ी मजबूत। और देख सकते हैं ये भी मजबूत दिया हुआ है जिस पे ये कसा हुआ है, देख सकते हैं ये। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है झरना के लिए धुरा, और ये झरने के लिए देख सकते हैं बेल्ट लगा हुआ है अंदर, जहाँ से झरना चलेगा देख सकते हैं आप। ये झरना चलेगा, 2 स्टेप वाला झरना है और ये देख सकते हैं झरना में लगा हुआ है। और देख सकते हैं ये फ्लाइबिल काफ़ी मजबूत और मोटा फ्लाइबिल है, इस पर भी कवर दिया है, जाली लगा हुआ है। और ये 2 पल्ली वाला फ्लाइबिल है, देख सकते हैं बोल्ट से कसा हुआ है डबल। इधर भी यहाँ पे भी मोटा ब्लॉक लगा हुआ है, बंद वाला ब्लॉक, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार। देख सकते हैं किसान भैया, यहाँ पर दिया हुआ है टूल बॉक्स रखने के लिए, यहाँ पर सपोर्ट रखने के लिए, ये भी काफ़ी मजबूत है। और देख सकते हैं ये अंदर का जाली है, यहाँ पर हवा खींचने के लिए ये दिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी जाली में सपोर्ट दिया हुआ है। और इसमें से देख सकते हैं जो है पुआल निकलता है और काफ़ी दूर फेंकता है। और ये देख सकते हैं इसका टायर, इसका टायर रहा। और ये देख सकते हैं 3 मुंह है जो पुरेसी निकलने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 लगा हुआ है अनाज को साफ करने के लिए, जो खुटी उटी होगा सब इसके द्वारा खींच कर इधर आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हवा, इधर से जो पुरेसी होगा इधर से भी पुरेसी निकलता है बाहर, देख सकते हैं किसान भैया। और यहाँ से जो है धान गिरता है इस प्रकार, देख सकते हैं, देख सकते हैं किसान भैया। ये यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर बैरिंग और बेल्ट लगा हुआ है चलने के लिए। यहाँ से हवा जो है यहाँ निकलेगा तो जो है अनाज आपका साफ होगा। और देख सकते हैं किसान भाई, यहाँ पे भी बैरिंग दिया हुआ है, मजबूत लगा हुआ है, सपोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख सकते हैं ये ब्रांडिंग लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं साइड से जो है पंखा दिख रहा है, ये इधर भी पंखे में बैरिंग लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ से भी देख सकते हैं ये खूटी वूटी गिरता है सब पूरा, जो बड़ा बड़ा ये पुआल होता है वो यहाँ से गिर जाता है इस प्रकार बाहर, देख सकते हैं। इधर का टायर साइज टायर देख सकते हैं, टायर भी इसका बड़ा टायर है, रिंग भी बड़ा है, देख सकते हैं आप। इधर भी दिया हुआ है हवा खींचने के लिए, ये देख सकते हैं ये काफ़ी भी मजबूत है, ये वे एक दोनों तीनों भी काफ़ी मजबूत हैं, देख सकते हैं ये। और इस पर जो है खड़ा होकर लगाया जाता है, ये है इसका सिस्टम खड़ा होकर लगाने के लिए। और ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें काफ़ी मोटा दाता वाता लगा हुआ है, इसको हम आपको घुमा कर दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं ये इसके अंदर का कुछ इस प्रकार है, नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं, देख सकते हैं इसके जैसा। इसमें 3 ब्लॉक लगा हुआ है जो है मेन में दिया हुआ है, दिखा रहे हैं कुछ दूसरा वाला ब्लॉक भी दिखा, देख सकते हैं किसान भैया। वहाँ पर भी 1 ब्लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पर, और ग्रीस करने के लिए दिया हुआ है जगह। ये वाला ब्लॉक है, इसमें 3 ब्लॉक लगे हुए हैं पूरे, ये देख सकते हैं इसका सूप है जो इसको गिराया जाता है, गिरा के यहाँ से लॉक किया जाता है, लॉक कर देंगे तो इसके माध्यम से पुआल जो है काफ़ी दूर फेंकेगा।
आया जाता है उधर का, हम उसके ऊपर चढ़ कर आपको दिखाएंगे। और ये इस देख सकते हैं लैंड फोर्स का लिखा हुआ है, धान वाला थ्रेसर का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्टिकर लगा हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी मोटा दिया हुआ है इसका, जिसमें रिंग लग कसा हुआ है। हब काफ़ी मोटा है, इसका जो है धूरा भी काफ़ी लंबा और मोटा है कुछ इस प्रकार। अब देख सकते हैं ये इसका मैन्युफैक्चरिंग कब का हुआ है, सब इस पर स्टिकर मोहर के साथ लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 2022 सन का है, ये 15 क्विंटल का थ्रेसर है पूरा। और ये इस प्रकार इसका पल्ला खुलेगा और उसके ऊपर हम चढ़ेंगे और चढ़कर आपको दिखाएंगे कि अंदर का कुछ व्यू कैसा है। और देख सकते हैं इसे पकड़ कर उठाने के लिए जो बड़ा टैंक है, इसको पूरा यहाँ से उठाने के लिए ऊपर देख सकते हैं। देखिए इसका ऊपर से सूप इस प्रकार कुछ दिखता है, देख सकते हैं इतना इतना इसका सूप का मुंह है, देख सकते हैं आप। और ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखने में है, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी मजबूत है, देख सकते हैं। और इसके अंदर देख सकते हैं सब छुरी लगा हुआ है काटने के लिए, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार। उसके अंदर जाली भी लगा हुआ है, ये पूरे 6 बोल्ट कसे हुए हैं सूप में, देख सकते हैं। इधर भी 3 बोल्ट लगे हैं और इधर भी 3 बोल्ट लगे हुए हैं। एक पुलिस भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कसा हुआ है काफ़ी मजबूत, देख सकते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए किसान भाइयों तो हमको कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको और कुछ बता भी सकते हैं। और कुछ सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो क्लियर, नमस्कार किसान साथियों।